हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज हम लोगों ने नित्यम के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. वो बहुत दिनों से हमसे स्केट शूज मांग रहा था. इनलाइनर स्केट, जो सिंगल व्हील्स होती हैं जिसमें उसके पास रोलर स्केट्स हैं ऑलरेडी, पर उसको आज पूरा विश्वास था कि आज इसके पापा लेके आएंगे उसके मुझे लिए. जब मैं ऑफिस से निकलने लगा तो मुझे एग्जैक्ट 6 बजे फोन आया कि पापा आप भूले तो नहीं ना अपना प्रॉमिस, आप लेके आना. तो मैं बिजी था थोड़ा, तो मैंने कहा कि ठीक है, आके घर पे बात करते. और हम लोगों ने भी ऐसे रिएक्ट किया. मुझे पता चल गया था कि ये ला रहे हैं, बट मैंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया उसको. बिल्कुल भनक में नहीं लगने दी कि हाँ पापा लेके आ गए हैं. तो मैं बस यही देखना चाहता था कि मतलब उसका रिएक्शन कैसा रहता है जब मैं उसको देता हूँ, तो वो देखने के लिए. तो अभी हम लोग नित्यम को सरप्राइज देने जा रहे हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन जब स्केट शूज उसको मिलते हैं. क्या हुआ? क्या पता नहीं क्यों उदास है. क्यों नित्यम उदास क्यों? हाँ, अरे तो बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ एंजल, टीवी ऑन मत करो. जब से आप आए ना तब से ये ऐसे इसका मुंह लटका हुआ है. मुझे नहीं पता किस लिए. क्यों भाई? आपने प्रॉमिस किया था सर. क्या कहा था? पक्का कर लूंगा. आपने नहीं क्या प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस किया था मैंने? स्केट शूज एक ऑलरेडी है ना आपके पास. एक वो अलाउड नहीं है स्कूल में. स्कूल में अलाउड नहीं है वो? नहीं है. और कितने बच्चे पार्टिसिपेट किया हुआ? बहुत किए हैं. आपकी क्लास के कितने बच्चे? एंजल नो, गिराओ मत चीजें. अरे कभी कभी वो लाते, कभी कभी नहीं लाते. तो मतलब ऐसे रेगुलर शूज ही लाते, वो सब चलता नहीं है स्केट्स में. अच्छा, जो आपके पास है वो छोटे वाले वो नहीं चलते हैं? हाँ, उससे आपको डिफिकल्टी होती है. हाँ, उसके वो जो देखो मुझे उससे चोट लग जाती है. ये इधर देखो अभी तक निशान है उसका. अच्छा, ये उसी से लगी है क्या? हाँ, लगती रहती है मुझे हवा. एंजल डोंट शाउट. इधर देखो लगती है. तो फिर अब क्या चाहते हो? मैं स्केच लेके दूँ? और आपने कितनी बात मानी मम्मा पापा की? आप पढ़ाई तो करते नहीं हो. आपको बोल बोल के दब जाते हैं. आप पढ़ाई तो करते नहीं हो. हाँ, ये भी तो क्या, ये पढ़ाई करती इसने इसकी पढ़ाई आज से चालू कर दी. इसको भी तो संभाला करूँ मैं. हर रोज जब भी पढ़ने बैठता हूँ ये मेरे पास आती है और ऐसे ऐसे करने लग जाती. तो जब ये सो रही होती उस टाइम पढ़ा, उस टाइम पढ़ाई किया करो ना. टाइम तो आपको मैनेज करना है. एंजल, आप भैया को परेशान करते हो. हाँ, आपके सामने भैया को किसी कर दो, लेके आते हैं. किसी कर दो भैया को. हाय हाय, ओए होए, ओए होए. देखा एंजल, आप एंजल भैया को नमस्ते भी कर दो. नमस्ते. अच्छा, शेक हैंड कर लो भैया से. कर लो. अच्छा स्माइल कर. अच्छा शर्मा जाओ भैया से. शर्मा दो. भैया से शर्माते. अच्छा वो ठा कर दो. ठा ठा क्लैपिंग. जय माता दी. जाए मार्केट जाए, रेडी हो जाए और आप भी पढ़ने बैठे. तो ये तो ऐसे नाराज होके बैठे हैं. ये तो समझना चाहिए ना इसको. चलो आप बैठे रहेंगे तो ये फिर इसको रहने देते हैं. नहीं, आप ही जाइए. इसको लेके जाऊंगा. आप ही जाइए अकेले. चलो. और उधर बैग पड़ा है,
आप ले आए बैग इधर है ना हाँ ले जाइए एंजल चुपचाप यहाँ बैठो नहीं यहाँ बैठो नहीं क्यों इसमें कहीं नहीं जा रहे आप नहीं जा रहे पापा अकेले जा रहे लाए ना पापा फिर आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे हाँ कब से मुंह बना के रखा हुआ था इसने जब से आप आए चलो देखोगे नहीं देखो रुको एक मिनट वहां यहाँ अच्छा यहाँ से बस साइज चेक कर लो साइज करने के बाद थोड़े सी